अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सुपर फाइलम एस्कलमिंथीस को के जनरल कैरेक्टर को डिस्कस किया और नेक्स्ट उसके हमने फाइलम रोटीफेरा के जनरल कैरेक्टर देखे, उसके एक्सटर्नल फीचर को डिस्कस किया, फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया। और अब हम आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे फाइलम रोटीफेरा के ही रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को, क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट थोड़ी डिटेल में थी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो इस वजह से हम अपने इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो, उसके रिलेटेड नोट्स चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, आपको किसी भी बुक पर जूलॉजी की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश के नोट्स चाहिए, कंप्यूटर के नोट्स चाहिए जो माइनर सब्जेक्ट हैं, साइकोलॉजी माइनर सब्जेक्ट है, आपको उसके नोट्स चाहिए, या आपको बीएस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमने जो अपना स्टार्ट किया है चैप्टर, इसके प्रैक्टिकल्स भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी। और आप साथ साथ ही जैसे जैसे आपके टॉपिक आपको क्लियर होते जाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होती जाए, तो आप उन प्रैक्टिकल्स को भी देख लें, ताकि साथ साथ ही आपके प्रैक्टिकल्स भी कवर हो जाएं। हमने अपने जो पिछले लेक्चर्स को कवर किया है, तो हमने साथ ही उसके प्रैक्टिकल जो हैं उनको भी अपलोड कर दिया था। प्रीवियस हमने जो फाइलम को डिटेल से डिस्कस किया था, वो था हमारा फाइलम प्लैटेहेल्मिंथीस। तो उसमें जितनी भी क्लासेस आ रही थी, टर्बल एरिया और भी जितनी क्लासेस थी, हम मैंने उनके कंप्लीट प्रैक्टिकल जो हैं वो उनकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर किसी को वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें और आपके प्रैक्टिकल्स आपको वहाँ पर, आपके टॉपिक जो है जितने भी हैं फाइलम प्लैटेहेल्मिंथीस के रिलेटेड, जितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस के प्रैक्टिकल थे, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो जी, हम स्टार्ट करते हैं आज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रोटीफर जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, लेकिन मोस्ट स्पीशीज़ के अंदर पार्थिनोजेनेसिस होती है। पार्थिनोजेनेसिस इस वजह से होती है कि इनके अंदर मेल टोटली एब्सेंट होते हैं या बहुत ही कम जो है वो नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस अकर होती है। स्मॉल मेल प्रोड्यूस होता है कुछ क्लासेस में, लेकिन बहुत सी ऐसी क्लासेस हैं जिसमें मेल प्रोड्यूस होता ही नहीं है, तो इस वजह से फुली डेवलप मेल एंड फीमेल जो हैं वो बहुत कम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ क्लासेस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो रोटीफर्स में सिंगल ओवरी कंसिस्ट करती है, सेंसिशियल मल्टी न्यूक्लिएट वटेलेरियम जो है ये अटैच होती है और प्रोड्यूस करवाती है यॉक फॉर एग्स, एग्स के लिए वो यॉक को प्रोड्यूस करवाती है। ओवरी और वेटेलेरियम फ्यूज करते हैं और एक सिंगल बनाते हैं जर्मो वेटेलेरियम। फर्टिलाइजेशन के बाद एग ट्रैवल करता है ओविडक्ट में और एंटर हो जाता है क्लोएकल ब्लैडर में और देन वो पास आउट करता है ओपनिंग के थ्रू। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है माउथ, क्लोएकल ब्लैडर एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन मेल्स। मेल के अंदर माउथ, क्लोएकल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसके पास सिर्फ सिंगल टेस्टिस है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है। स्पर्म इनके ट्रैवल करते हैं सिलिएटेड वासा डेफरेंस से एंड देन वो एंटर होते हैं गोनोपोर में। मेल रोटीफर जो है वो उसके पास एवर्सिएबल पेनस प्रेजेंट होता है, वो इंजेक्ट करता है स्पर्म को सूडोसिलोम ऑफ द फीमेल, यानी कि फीमेल की सूडोसिलोम जो कि उसकी कैविटी है उसके अंदर वो अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिक इम्प्रिजनेशन, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक इम्प्रिजनेशन। नेक्स्ट आपको ये लाइफ साइकिल रोटीफर का डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो लाइफ साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है रोटीफर का, वो टू इसके साइकिल जो हैं वो लाई करते हैं। एक है एमिक्टिक साइकिल और दूसरा है मिक्टिक साइकिल। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि पार्थिनोजेनेटिकली या जिसको हम बोलते हैं एमिक्टिक साइकिल, उसमें किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इधर देखें आप, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई मिलता है स्प्रिंग रेन्स में या फॉल रेन्स में, तो क्या होता है हमारे पास हैचिंग होती है। किस तरह से हमारे पास डिप्लॉयड फीमेल जो कि इमिक्टिक है पार्थिनोजेनेटिकली, वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगी, वो डिप्लॉयड एग की प्रोडक्शन करवाएगी और वो डिप्लॉयड एग से बनेगी डिप्लॉयड फीमेल। डिप्लॉयड फीमेल दोबारा से डिप्लॉयड एग की प्रोडक्शन करवाती है और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है और पार्थिनोजेनेटिकली इमिक्टिक लाइफ साइकिल जो है उससे ये रिप्रोड्यूस होता है।
होते रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी मिक्टिक लाइफ साइकिल की, तो वो किस तरह से होता है, उसके अंदर इन्वायरमेंटल स्टिमुलस मिलता है स्टैग्नेंट वाटर में या फिर फ्रॉस्ट में, तो मियोसिस होती है डिप्लॉइड एग, जो कि फीमेल रिप्रोड्यूस करती है। डिप्लॉइड जो है फीमेल वो एग प्रोड्यूस करवाती है, तो वो कौन से एग प्रोड्यूस करवाएगी, उनके अंदर मियोसिस होती है और हैप्लॉइड प्रोडक्शन होती है मिक्टिक। फिर हमारे पास हैप्लॉइड मेल है जो कि क्या प्रोड्यूस करवाएगा, स्पर्म प्रोड्यूस करवाएगा। तो हैप्लॉइड एग की जो कि फीमेल ने रिप्रोड्यूस करवाए और हैप्लॉइड स्पर्म जो कि मेल ने रिप्रोड्यूस की है, इन दोनों की क्या होगी हमारे पास, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन के बाद ए मिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग होते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। ये डिप्लॉयड एग हैं क्योंकि ये हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म से फर्टिलाइज करने के बाद जो प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे पास हैं डिप्लॉयड एग, तो वो रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। एंड देन जब फेवरेबल कंडीशन आती है, इन्वायरमेंट से स्टिमुलस मिलता है, तो फिर वो हैच करते हैं और हैच करने के बाद उनमें डिप्लॉयड फीमेल प्रोड्यूस होती है जो कि बाद में डिप्लॉयड एग की प्रोडक्शन करवाती है। तो इस तरह से इनके अंदर ए मिक्टिक और मिक्टिक दोनों लाइफ साइकिल वेरी करते हैं। तो इधर हम इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो एक क्लास है इसकी सिसोनीडा, जिसमें फीमेल प्रोड्यूस करवाती है हैप्लॉइड एग और वो एग जो है वो फर्टिलाइज होकर डेवलप करते हैं मेल और फीमेल दोनों में। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्लास है बेडिलॉइडिया, इसमें फीमेल जो है वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस करवाती है, ये प्रोड्यूस करवाती है डिप्लॉइड एग्स और वो एग हैच करते हैं डिप्लॉइड फीमेल में, जिस तरह से आपने इधर देखा कि डिप्लॉइड एग की प्रोडक्शन हुई और डिप्लॉइड फीमेल प्रोड्यूस हुई है जो कि डिप्लॉइड एग की ही प्रोडक्शन करवाती है। नेक्स्ट उसकी थर्ड क्लास है मोनोगनोन्टा, ये प्रोड्यूस करवाते हैं टू डिफरेंट टाइप के एग, जिसमें ए मिक्टिक भी होते हैं और मिक्टिक भी होते हैं। तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं इनमें ए मिक्टिक लाइफ साइकिल की, तो ए मिक्टिक में फीमेल प्रोड्यूस करवाती है ए मिक्टिक एग माइटोसिस के थ्रू, वो एग डिप्लॉयड होते हैं, फर्टिलाइज नहीं हो कर सकते, इस वजह से वो डायरेक्टली डेवलप कर जाते हैं ए मिक्टिक फीमेल में, इसलिए ए मिक्टिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। फीमेल डेवलप करती है एक लार्ज पॉपुलेशन में क्विकली और जो अदर एग्स होते हैं वो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं। अनदर मिक्टिक साइकिल जब स्टार्ट होता है डॉर्मेंट एग दोबारा से प्रोड्यूस करते हैं और वो इस तरह से ये जो है वो अर्ली साइकिल जो है ओवर होने से पहले पहले ये साइकिल जो है इसको कंप्लीट होना होता है। विंड्स और बर्ड्स इनके जो है वो डॉर्मेंट एग को डिस्पर्स करवाने में हेल्प आउट करते हैं। अगर हम मिक्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो ये मियोसिस इसमें अकर होती है, इसमें मियोसिस प्रेजेंट नहीं होती, माइटोटिकली एग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें सम एमिक्टिक फीमेल प्रोड्यूस करवाती हैं मिक्टिक एग मियोसिस के थ्रू समर में। देन वो थिन शेल्ड एग्स होते हैं, मिक्टिक एग्स हैप्लॉइड होते हैं, मिक्टिक एग जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते। देन वो डेवलप करते हैं पार्थिनोजेनेटिकली मेल के अंदर, कुछ मिक्टिक एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और वो थिक वॉल्स हैवी शेल सेक्रीट करते हैं जो कि डॉर्मेंट होते हैं और रेस्ट पोजिशन में चले जाते हैं, उनको हम विंटर एग्स भी बोलते हैं। डॉर्मेंट एग जब हैच करता है तो मेल्टिंग स्नो में और स्प्रिंग रेन्स में, तो वो फिर डेवलप कर जाते हैं एमिक्टिक फीमेल्स में। तो इस तरह से मोस्टली फीमेल जो हैं वो एमिक्टिक और मिक्टिक एग जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन दोनों नहीं करती। फिजियोलॉजिकली कंडीशन जो है फीमेल के ओसाइट में, ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है ड्यूरिंग द फीमेल ओसाइट डेवलपमेंट, यही डिटरमाइन करती हैं कि एग जो है उसके एग एमिक्टिक होंगे या फिर मिक्टिक एग प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट हम अपने फाइलम को देखते हैं, फाइलम किनोरेंचा। फाइलम किनोरेंचा में इसका है किनियन, किनियन का मतलब है मोशन और रेंचोस का मतलब है उसकी स्नाउट। तो किनोरेंचस जो है ये स्मॉल होते हैं, इलांगेट हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल वॉर्म्स हैं ये और इनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर तक होता है। एक्सक्लूसिवली ये मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये मड और सैंड में जो है ये लाई करते हैं। इसके अलावा आप किनोरेंचस जो हैं वो डेट्राइटस बैक्टीरिया और एलजी और डायटम्स पे फीड करते हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फूड वेब में। इस वजह से ये इकोलॉजिकली और साइंटिफिकली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रोल प्ले कर रहे हैं फूड वेब में, इसलिए के किनोरेंचस जो है वो डेट्राइटस बैक्टीरिया एलजी और डायटम्स पे फीड करते हैं। इसके अलावा ये सिंपली बरो बनाकर रहते हैं मड और सैंड में विद देयर स्नाउट्स, अपनी स्नाउट्स की मदद से। इस वजह से ये फाइलम जो है इनके पास लोकोमोशन के मेथड्स जो हैं, इसके नेम की वजह से यह है कि ये फाइलम किनोरेंचिया जो है इसकी 150 नाउन स्पीशीज हैं। अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो इसमें सीलिया इसकी बॉडी पर देखें प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसकी बॉडी पर सीलिया जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इनकी बॉडी जो है वो कंपोज्ड हुई होती है 13-14 डेफिनेट यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं जूनाइट्स, यानी कि इस तरह से इनकी बॉडी जो है वो 13-14 यूनिट्स पर कंसिस्ट करती है। हेड जो है उसको हम कहते हैं इन हेड जो है वो जूनाइट 1 पर प्रेजेंट होता है, ये बेयर करता है माउथ पे, ओरल कोन पे। इसके अलावा उसके पास इनके स्पाइंस होते हैं,
नेक रीजन जो है वो जोनाइड टू पे लाई करती है, और इट कंटेन उसको हम कहते हैं स्पाइंस, उसको हम कहते हैं स्कैलेट्स, यानी कि जो इनके पास इसके नेक रीजन पर जो इसके पास प्रेजेंट होते हैं जोनाइड टू नेक रीजन पर जो स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं स्कैलेट्स। ये इधर ये इसकी नेक रीजन है, नेक रीजन पर जो स्पाइन प्रेजेंट होंगे उनको हम स्कैलेट्स बोलते हैं, और जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम कहते हैं प्लैसिड्स। तो हेड जो है ये इनका रिट्रैक्टेड करता है इनके नेक में। तो ट्रंक बेसिकली कंसिस्ट करता है, बाकी बचते हैं हमारे पास जो जोनाइड्स वो 11 और 12 होते हैं इस तरह से, जो इनकी पूरी बॉडी पे होते हैं उनको वो 11 हो गए, क्योंकि जोनाइड 1 पे इनका आ जाता है हेड पोर्शन जिसमें ओरल कोन और ओरल स्टाइलेट होता है, और ये जो इनकी नेक पोर्शन जो कि जोनाइड 2 पे प्रेजेंट होती है इसमें उसके पास स्पाइंस आ जाते हैं जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, उन स्पाइंस को हम क्या बोलते हैं स्कैलेट्स और प्लैसिड। अब जो प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं ये प्लेट्स हैं जिनको हम प्लैसिड्स बोलते हैं, ये आपको छोटी छोटी नज़र आ रही होंगी प्लेट्स, तो इनको हम प्लैसिड्स बोलते हैं। तो जो रिमेनिंग बचते हैं हमारे पास इनका वो जोनाइड्स 11 टू 12 होते हैं जो कि इसके ये बॉडी ये ट्रंक पोर्शन को कवर कर रहे होते हैं। तो हर ट्रंक जो है जोनाइड पे वो बेयर करता है लेटरल स्पाइंस एंड वन डॉर्सल स्पाइन। जी तो इधर इनके पास जो है वो जोनाइड बेयर करते हैं पेयर ऑफ लेटरल स्पाइंस और डॉर्सल स्पाइन। एक पेयर इनके पास ये देखें डॉर्सल स्पाइन का है और एक पेयर इनके पास आ जाता है लेटरल स्पाइन का। नेक्स्ट अगर हम इसके इंटरनल फीचर की बात करें तो इसकी बॉडी वॉल कंसिस्ट करती है क्यूटिकल पे एपिडर्मिस और टू पेयर मसल्स के होते हैं, एक मसल इसका डॉर्सो वेंट्रल है और दूसरा इसका वेंट्रोलेटरल है। सूडोसिलोम इनकी लार्ज होती है और वो कंटेन करती है अमीबॉइड सेल पे। अगर हम इसके फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट करता है माउथ बकल कैविटी मस्कुलर फेरेंस देन एसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन एंड देन एनस। तो मोस्टली किनोरेंचस जो है वो फीड करते हैं डायटम्स पे एलजी और ऑर्गेनिक मैटर पे, और हमने पढ़ा भी कि इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन में। अगर हम इनके ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो एक पेयर प्रोटोनेफ्रीडिया का इनका जोनाइड 11 पर प्रेजेंट होता है। इनका नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के ऊपर, और वो नर्व कॉर्ड जो है उसके पास गैंग्लिया होते हैं जो कि हर जोनाइड पे प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं उनके पास आई स्पॉट और सेंसरी ब्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो किनोरेंचस जो हैं वो डायोशियस हैं विद पेयर गोनेड्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पाइंस जो हैं वो मेल के गोनोपोर के अराउंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो स्पाइंस इनके कॉपुलेशन के दौरान यूज़ होते हैं। यंग वन हैच करता है इनटू लार्वा, देन लार्वा इनका जो है वो उसके पास कोई जोनाइड्स नहीं होते हैं। एज द लार्वा ग्रो एंड मोल्ट देन अडल्ट मॉर्फोलॉजी उसके अंदर अपेयर होती है, मोल्टिंग नो लॉन्गर अकरिंग अडल्ट। अडल्ट के अंदर जो है वो मोल्टिंग नहीं होती है। मोल्टिंग आपको पता है एक प्रोसेस है, मोल्टिंग एंड एक्टाइसिस, जिसमें वो अपनी क्यूटिकल को शेड करते हैं। होप सो कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फाइला को डिस्कस करेंगे, फाइलम निमाटोड्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और इसके हम जो है वो सम इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैरासाइट्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।